एक करके इसके सारे पॉइंट्स पे बात करूंगा भाई। इसने पर्सनल अटैक करा, इस जोकर को समझाओ कि अखबारों का पर्पस क्या होता है, उसकी भी बात करूंगा। जो इसने अपने सार ब्रेन से ये यूज करने की कोशिश करता है ना, टेक्निक, सारी बातें करूंगा, इसकी सारी पोल खोलूंगा आज। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये सोच रहा है इजी टारगेट है भाई, वीडियो बनाएगा और बोलेगा कि जिस पे ज्यादा व्यूज है उसकी बात करता हूँ। अरे नीतीश राजपूत ने जो बोला है उसकी बात करना फिर तू। इसको कहना कि ये सिर्फ तीन ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई सेल से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहाँ पे बात हो रही है एक अडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसीएस ज्वाइन करवाने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसीएस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। एलवीश यादव की पूरी वीडियो उठा के ना, इसने आधा वीडियो पूरा एलवीश यादव पे ले रखा है। एलवीश यादव थोड़ी ना इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट बनाता है, और इसकी पूरी कोशिश क्या रहती है कि सामने वाले को प्रो बीजेपी घोषित कर दो। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता बीजेपी जीतती है हारती है, मेरे से कल की बजाय आज हार जाए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस देश अच्छे से चलना चाहिए मेरे को उतने से मतलब है। मैंने अगर ध्रुव राठी पे कोई कमेंट करा है तो सिर्फ इसलिए करा, इसने बार बार हिंदुइज्म को टारगेट करने की कोशिश करी है। फिर मिलेगा उत्तरकांड करके, जिसमें राम के ऊपर दो बड़े एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, जिसमें राम के ऊपर दो बड़े एक्यूजेशंस लगाए। ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। बंदरों की सेना थी और ऐसा था, और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे, इस पे शांति नहीं रहेंगे भाई, ये क्लियर कट है। मेरी बात पे इसने बोला कि लॉजिकल रीजनिंग और ये न्यूज और आर्टिकल्स और इन्हीं की वजह से पूरा डेटा आता है, ताकि उन्हें कंसोलिडेट करके और हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। 3 weeks ago in India, a lawmaker was shot dead live on camera. अगर डेटा, न्यूज आर्टिकल्स और इनके बेसिस पे अगर सच में फैसले होने लग जाते ना, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? लोगों के दिमाग को फ्रेम करने की कोशिश की जाती है, तो सारे जजेस जो है वो रोबोट बना दिए जाते हैं। फिर जरूरत क्या पड़ती है उनकी ह्यूमंस होने की? बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। गुजरात रायट्स 2002 के जो हुए थे, 790 मुस्लिम्स, 254 हिंदूज, ऑफिशियल रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट है सच में। पूछ के आओ जरा गुजरात रायट्स में जो लोग वहाँ पे थे, मुजफ्फरनगर रायट, वहाँ पे भी 40-42 मुस्लिम्स और 20 हिंदू लिखे हुए हैं। पूछ के आओ जरा मुजफ्फरनगर में जाके उन बंदों से जिन्होंने वो फेस किया हुआ है, कि क्या सच में बस 62 बंदों की थी? एक महीने के आसपास तो पूरा रायट चला था, तो एक दिन में एक बंदा मर रहा था बस, तो रायट किस बात का हुआ? ऐसे तो नॉर्मली हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोई ना कोई डेथ हो ही जाती होगी। ये मैंने छोटे स्केल में बता दिया, बड़ा स्केल का बताता हूँ जो छुप भी नहीं सकता। जापान पे न्यूक्लियर बम डाल दिए गए थे ना अमेरिका द्वारा, एलीट फोर्सेस द्वारा, और उसके बारे में जब आप हिस्टोरियंस और वहां के लोगों से पूछा जाता है ना, क्या बोलते हैं? जॉन डब्ल्यू डॉयर बोलते हैं कि जितनी भी फोर्स ने कब्जा किया था उन्हें देखते हुए रेप के इंसिडेंट तो काफी कम थे। ब्रायन वॉल्स कहते हैं कोई मास रेप नहीं हुआ, और रेप एक्चुअली हुआ ही नहीं, जितने अमेरिका में होते हैं नॉर्मली उतने ही हुए हैं। फुजीमी यूकी सेज कि अमेरिकन ट्रूप्स के लैंड करने के बाद 3500 रेप्स सिर्फ पहले ही महीने में हो गए थे। क्या सच है? कौन सी रिपोर्ट्स हैं? अमेरिकन रिपोर्ट्स में दिखाऊं कितने केसेस दिखाए उन्होंने, कितने कम केसेस दिखाए हुए उन्होंने? वहीं के फैक्ट उठा के अमेरिका वगैरह के, जहां पे उन्हें फायदा हो वो वही डालते हैं। और अगर इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर आप क्या ही है। रियलिटी में बताऊं जापान की स्टोरी, रॉबर्ट रिकेट्स यूएसए का ही बंदा है, उसने बोला था कि मास रेप, गैंग रेप और गंदी तरीके से सेक्स एट्रोसिटीज रोज का काम था। सोल्जर्स की हरकतें इतनी घिनौनी थी कि बहुत औरतों ने उसके बाद सुसाइड कर ली रेप होने के बाद। अब यूएसए और अगर यूरोप की डेटा उठाओगे ना आप एलीड फोर्सेस की, तो फिर ये ध्रुव राठी उठ के बोलेगा कि भाई इनके रिपोर्ट के हिसाब से कुछ खास केसेस नहीं हुए, एक ही रेप का केस था। फिर यूरोप का कोई फलाना उठाएगा ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में, बोलेगा कि कोई केस नहीं थे, 4 केस थे, वो भी रोबोट थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आप बताओ भाई, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जापान की जो स्टोरी है, आपको अगर मैं सारे न्यूज आर्टिकल, सारे रिपोर्ट्स अमेरिकन, यूरोपियन सब दे दूं, क्या आप बता दोगे कि जापान में रियलिटी में कितने रेप्स हुए होंगे, कितनी दर्द होगी वहां पे? या फिर मुजफ्फरनगर राइट्स का बता दोगे, या गुजरात राइट्स का बता दोगे? नहीं बता सकते ना, क्योंकि आप वहां पे मौजूद नहीं थे। या फिर आपने ग्राउंड बेस्ड रियलिटी नहीं जानी, उनके यहाँ जाके सर्वे नहीं किया, और सर्वे औरों का नहीं, खुद का पर्सनली, वो जर्मनी में बैठ के नहीं होता, एटलीस्ट उसके लिए इंडिया में होना जरूरी है इंसान का। अब मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा, जिन ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट उठाता है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसने ट्वीट किया है उसका, ध्यान देना वर्ल्ड प्रेस, बिकी हुई मीडिया नहीं, बिकी हुई मीडिया तो अपनी मर्जी से बिकी हुई है ना, फ्रीडम तो उसको थी ना अच्छी मीडिया करने की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को रैंक दी हुई है 160, पाकिस्तान को दी हुई है 150, अफगानिस्तान को दी हुई है 152। ये जो जितने भी वेस्ट में बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका अपना गेम चलता है कि कहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, कहाँ पे पाकिस्तान के साथ बोलना है, ताकि नंबर बटोरे जाए पाकिस्तान के आगे, उसको खुश किया जाए, यही गेम चलता है। तेरा चैनल भाई यूट्यूब पे दबा के चल रहा है, केरला स्टोरी पे 15 बिलियन व्यूज आए तो खुश हुआ, जबकि तू सारा एंटी बीजेपी है, गवर्निंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, आज तक तेरी रीच को कोई हर्ट नहीं हुआ, फिर तू उसी थाली में छेद कर रहा है। अगर इतना ही है तो तालिबान में जाके वहां बना वीडियो, फिर देखेंगे तेरी मीडिया प्रेस फ्रीडम। और इसने बीच में वीडियो में बोला कि भाई 500-600 वीडियो बनाई है, तो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है पास्ट में, भाई तूने कल ही गलती करी है, तो एलविश यादव को सीख दे रहा है।
रहा है, पर अच्छी कॉमेडी हो सकती है, उसको साफ सुथरी कॉमेडी करने का वो दे रहा है ज्ञान। तू अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। बनाने का मतलब ये नहीं कि इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्व होना पड़े, कॉमेडी अच्छी और साफ सुथरी भी हो सकती है। यही आदमी मुन्नवर फारूकी को जस्टिफाई कर रहा था जिसने एक ही लाइन में हमारे प्रभु श्रीराम और माता सीता का नाम यूज किया और साथ में गाली के वर्ड्स यूज करे। मैं आपको खुद ही बताता हूँ मुन्नवर ने क्या बोला। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया, राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया, सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज अ व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। और ये जो बाहर की गवर्नमेंट है, इनकी पुलिस है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे बिहेव करते हैं, इनके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूं। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यूएन का कोई कमीशन या बिल्डिंग थी, उसके बाहर का सीन। यू कैन सी द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। दिस इज समथिंग आई रियली हेट। आई लुक एट दिस एवरी टाइम व्हेन आई गो टू माय इंस्टीट्यूट। इंडियन क्रिश्चियंस आर नॉट फेसिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड इंडिया नो टू टेरर अटैक्स, बट दिस इज रिपीटेडली what is portrayed here. Stop burning Indian Christians, stop burning churches. अब आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की मीडिया कैसे मैनिपुलेट करती है। After Amritpal Singh was illegally detained by the police in Indian occupied Punjab. देखो वहाँ की मीडिया को इंडिया से घंटा नहीं फर्क पड़ता। मीडिया कब बोलती है, जब उसमें गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। और इसने मेरे को रिप्लाई किया मेरी छोटी सी क्लिप काट के, हरियाणा में जहाँ 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मतलब अगर बैचलर कोई जर्मनी में जाके कर रहा है, जहाँ वो रहता था वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी, तो ऐसा बंदा डिजर्व कैसे करता है कि भाई हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, फिर अगर कोई है तो उस पर कमेंट करने का वो डिजर्व कैसे करता है वो चांस। सिर्फ अखबारों को पढ़ के, फैक्ट्स को गैदर करके, रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ के कोई कैसे कमेंट कर सकता है। मैंने इतने सारे तेरे फैक्ट्स दिखाए भाई, तेरे दोगलापन दिखाया तेरी पहली वीडियो का, अभी वीडियो का, उनका रिप्लाई करना भाई। लोग उठाते हैं एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के ऊपर कि कैसे एनसीपी कांग्रेस की और शिवसेना की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और फिर भी ये साथ में एक अलायंस बना रहे हैं। मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए। सचिन पायलट या अशोक गहलोत अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। लग रहा मैं इजी टारगेट हूँ, इजी टारगेट नहीं हूँ मैं। तेरे वीडियो डालने के बाद में तेरे सारे गुर्गे आ गए मेरे यूट्यूब अकाउंट पे, जबकि तूने तो मेरा नाम भी मेंशन नहीं किया था, अकाउंट भी मेंशन नहीं किया था, ढूंढ ढांड के आए हैं कहीं ना कहीं से और गालियां गलोच सब कुछ कर रहे हैं भाई साहब, और हर कमेंट में जोकर जोकर बोल रहे हैं। पहली बात तो मेरे को तो जोकर पे घमंड है भाई, बैटमैन से ज्यादा जोकर पसंद करता हूँ मैं। तूने तो बोल के मेरा सम्मान बढ़ा दिया। दूसरी बात, तूने मेरा जिक्र लास्ट में पता है क्यों किया, क्योंकि तू चाहता था कि अपने सपोर्टर्स को मेरा फेस दिखा दे ताकि वो जाके मेरे को परेशान करे और मैं डर जाऊं। इससे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, तेरे ही सब्सक्राइबर्स किसी लड़की को बेचारी को मेंटली हैरेस कर रहे थे, वो तेरे से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे आगे कि अपने सब्सक्राइबर्स को रोको, पर तूने रोका नहीं क्योंकि तू अपने सब्सक्राइबर्स की सुप्रीमेसी में रहता है। तुझे लग रहा है कि उन लेडी की तरह तू मेरे को दबा लेगा, अरे तुम्हारा बाप है सब गुजर, बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। और जितने तुम कीबोर्ड वॉरियर्स हो ना, आके दूसरों को गालियां देते हो, मेरे को पता है तुम रियलिटी में कितने बड़े कायर हो। तो वैसे एक बात बताऊं भाई, मैंने बहुत सारी रील्स और वीडियोस देखी हैं भाई, आप बहुत जोश में डांस करते हो कि श्री राम जान की बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान की बैठे हैं मेरे सीने में। सब्सक्राइबर्स आके दूसरों को मेंटली हैरेस करते हैं और आप लोग कुछ नहीं करते कुछ खास, वहीं गाने चला के नाच लेते हो, यहीं तक है आपका जोश भाई। ये आदमी उस आदमी को जस्टिफाई कर रहा है जो अपनी कॉमेडी में हमारे श्रीराम और माता सीता का नाम उस लाइन में ले रहा है जहां पे गालियां गलोच है और फिर उसे जस्टिफाई कर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है भाई, इसकी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, इसका जितना भी बायस्ड पन है ना वो भी उनके सामने आना चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ट्विटर पे जाओ, एक हैशटैग रन करो दोगला NRI, और दोगला लिखना बहुत जरूरी है, दोगला NRI, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका दूसरा फेस भी है जो आप देख नहीं रहे हो। लास्ट बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं भाई, कोई किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। ये इंसान हमारे हिंदुइज्म को टारगेट करता है, अगर आप ये बात नहीं समझ सकते तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है और आपकी गलत अप्रोच है पीस की तरफ, मेरी दिक्कत नहीं है।